हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि रंजना ने आज के ब्लॉग की शुरुआत ही अजीब सी कौन सी चीज़ है जिससे रंजना आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक शिटाके मशरूम के बैग्स हैं। ये एक प्रकार की मशरूम है और इस बार मैं कुछ नई प्रकार की मशरूम उगाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मैं पिछले 3-4 सालों से मशरूम उत्पादन का काम कर रही हूँ, उगाने और ट्रेनिंग देने दोनों का काम करती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और अभी अभी मेरे पास ये 5 कार्टन पहुंचे हैं जिसमें 20-20 केजी मशरूम के ये बैग्स रखे हुए हैं। लगभग 1 क्विंटल ये मशरूम के बैग्स मेरे पास पहुंचे हैं और अब मैं इस बार उगाने जा रही हूँ शिटाके मशरूम, जो कि बहुत ही यूनिक मशरूम है। और आगे धीरे धीरे मैं इस ब्लॉग में आपको बताते रहूँगी कि इस मशरूम की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों मैं इसको यहाँ पर उगाने जा रही हूँ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। दोस्तों, अभी रात भी हो चुकी है तो मुझे आज सिर्फ एक ही स्टेप करना है, वो ये कि इन जो कार्टन्स हैं इनको पूरा खोल देना है और ताकि इनका जो टेम्परेचर है मशरूम बैग्स का, जो अभी थोड़ा सा गर्म हो रखे हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर में। तो इसके बाद का प्रोसेस हम कल करेंगे, कल मॉर्निंग से। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर डे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 7 और मैं सुबह सुबह उठ करके यहाँ पर सीधे काम पे लग गई हूँ। इससे पहले मैंने ये रूम सुबह जल्दी उठ करके साफ़ किया है क्योंकि पहले हमारा स्टोर रूम हुआ करता था, तो इसको पूरा से खाली करके फिर से इसमें मैंने साफ़ सफाई करी, पूरा सैनिटाइज किया इस रूम को, क्योंकि सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है मशरूम उगाने के लिए। तो अभी मैं ये मशरूम के कार्टन्स को खाली कर रही हूँ और जो मशरूम के पैकेट्स हैं इनको लाइन वाइज स्लैब में लगा रही हूँ। दोस्तों, ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शिटाके मशरूम के बारे में बता देती हूँ कि शिटाके मशरूम है क्या। शिटाके मशरूम वैसे एक प्रकार की मशरूम है, जापानीज मशरूम इसको बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जापान में ही इसको उगाया गया था, लेकिन अब हमारे इंडिया में भी इसको बहुत सारे लोग उगा रहे हैं और उत्तराखंड में भी कुछ लोग हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, जैसे रुड़की में और देहरादून में। रुड़की में जो इसकी खेती कर रहे हैं बड़े लेवल पर, वो वैकेंट फूड्स के नवीन पटवाल जी हैं और वही मुझे गाइड भी कर रहे हैं इस मशरूम को उगाने में यहाँ पर, और उन्होंने ही मुझे ये मशरूम के सारे बैग्स अवेलेबल करवाए हैं यहाँ पर। दोस्तों, इस मशरूम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये मशरूम हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी मशरूम है। अन्य मशरूम के कंपैरिजन में इस मशरूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, और कैंसर पेशेंट्स के लिए तो ये मशरूम बहुत ही लाभकारी है। और इसकी जैसे सब्जी बना के खा सकते हो, सूप, चाय, चिप्स, ऐसे भी इसको खाया जाता है कि बहुत सारी जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इंडिया में इसको मोस्ट ऑफ सब्जी बना करके ही खाया जाता है। तो दोस्तों, इस मशरूम को जो उगाने का प्रोसीजर है वो भी एकदम अलग है अन्य मशरूम के तुलना में। तो इस मशरूम को उगाने के लिए मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया वो भी मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगी, तो बने रहिएगा इस पूरे ब्लॉग में। और फाइनली ये मशरूम तैयार होकर के कैसे दिखती है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। दोस्तों, इस मशरूम को आए हुए आज हमारे पास 4 दिन हो चुके हैं और इन पर आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ये पिनहेड्स, इनको पिनहेड्स नहीं बोला जाता है वैसे, इनको बम्स बोला जाता है, तो ये आने शुरू हो गए, मतलब मशरूम आने शुरू हो गई है। तो अब हमें इनको खोल करके, इन पैकेट्स को खोल करके इनको एकदम ठंडे पानी में डुबाना है। लेकिन दोस्तों, हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी मशरूम के बैग को पकड़ें और किसी भी मशरूम से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे हाथ लगाएं तो हमारे हाथ सैनिटाइज होने चाहिए फॉर्मलिन के पानी से। तो ये मैं कर चुकी हूँ और ये
हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब इनको हमने ठंडे पानी में भिगाना है, एकदम चिल्ड वाटर में हमने इनको डिप करके रखना है कम से कम 15-20 मिनट। जो इनका एक्चुअल वेट है अभी उससे लगभग 200-300 ग्राम इनका वेट बढ़ जाना चाहिए। फिर वापस हम इनको रूम में रख देंगे जहाँ पर कि हम इनको मशरूम ग्रोथ करेंगे। तो फिर हमें आपको बताती हूँ प्रोसेस की कैसे कैसे हम कर रहे हैं। अब ये बहुत छोटे स्तर में कर रहे हैं, हमारे पास ओनली 100 बैग्स हैं। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि कैसे करके इसको उगाया जाता है। तो अभी तक तो मैं बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम ही उगाती थी, लेकिन अब मैं सिटाके मशरूम भी उगा रही हूँ। तो ये सिटाके मशरूम का मेरा पहला अनुभव है उगाने का। तो अब हमने ये पैकेट्स खोल करके अब इनको हम 15 मिनट पानी में डिप करके रखेंगे, 15-20 मिनट, और फिर इनको निकाल देंगे और वापस अपने रूम में रखेंगे। तो ये बैग पहले हम बाल्टी में टब में रख करके डुबा रहे थे, लेकिन टब में कम ही आ रहे थे, तो इसलिए अब हमने इनको सीधे इस थर्माकोल में पानी भर करके इनमें ही डिप कर रहे हैं, और कम से कम 15-20 मिनट डिप करेंगे इन दोनों में भरे हुए। उसके बाद 15-20 मिनट निकालने के बाद वापस हम रख देंगे। दोस्तों, मैं जो आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ इन बैग्स को खोलने का और इसको पानी में डिप करने का, तो ये सेम डे का प्रोसेस है, मतलब कि चौथे दिन में ही हमने बैग्स को खोले भी हैं और डिप भी किए हैं। और ये प्रोसेस हमने सुबह सुबह उठ करके किया है, क्योंकि हमें ठंडा पानी चाहिए था तो वो हमें सुबह ही मिल पाना था। तो इससे बीच के जो 2 दिन थे उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैग्स रखे हुए थे और चौथे दिन खोले ही बैग्स और डुबाए। तो जो बैग्स पानी में भिगाए थे उनको बाहर निकालने के बाद हमने रूम्स में कुछ इस प्रकार से अरेंज किए हैं। तो अभी कुछ बैग्स हो गए हैं और अभी कुछ बहुत सारे रह चुके हैं, तो इनको भी हम धीरे धीरे करके पानी में डिप कर रहे हैं और फिर 15-20 मिनट निकालने के बाद वापस हम इनको इस प्रकार से अरेंज करेंगे। दोस्तों, हमें सारे बैग्स को इस प्रकार से अरेंज रखना है, और इसके बीच में ही आपको वाइट रुई की पट्टी सी दिख रही होगी, तो ये मशरूम के जो पैकेट्स हैं इन्हीं पे लगी हुई थी और मैंने इनको सपोर्ट देने के लिए इनके बीच में लगा दी गई हैं। दोस्तों, अब हमें इन मशरूम को बैग्स को इस प्रकार से अरेंज करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह शाम थोड़ा पानी का स्प्रे करना है और वेंटिलेशन के लिए खिड़की दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोलना है, और उसके साथ साथ रात को हमें लाइट को खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि इन मशरूम को ग्रोथ के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मशरूम को लाइट अच्छी लगती है, तो लाइट में अच्छी ग्रोथ करते हैं ये, तो इसलिए हमें रात को इसके लिए लाइट खुला रखनी पड़ेगी। और बस उसके बाद ये अभी आज चौथा दिन है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद लगभग 7-8 दिन में ये मशरूम अच्छी ग्रोथ कर लेगी। दोस्तों, मैं ये सीधे आपको 8 दिन में लेके आ चुकी हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि ये मशरूम बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुके हैं इन पर, और ये काफ़ी खुल चुकी हैं। 3-4 दिन की केयर करने के बाद ही ये मशरूम अपनी इन्होंने अच्छी ग्रोथ ले ली है। दोस्तों, आज इस मशरूम को लगाए हुए 8 दिन हो चुके हैं, और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये मशरूम काफी बड़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ भी देखोगे अगर आप बाकी मशरूम, काफी मशरूमें आ चुकी हैं और ये बड़े साइज की भी हो चुकी हैं। तो आज हम इनको तोड़ने का प्लान कर रहे हैं, तोड़ करके आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो मैं कुछ मशरूम आज तोड़ूंगी। तो पहली बार हम सिटाके मशरूम की हमने खेती की, और सिटाके मशरूम आज पहली बार हम उगा के खाएंगे। ये दिखने में बहुत अच्छी नहीं होती है, दिखने में बहुत भद्दी सी लग रही है, लेकिन नवीन पटवाल जी ने कहा है खाने में ये बहुत टेस्टी होगी, और हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताए हैं इस मशरूम से कैंसर की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा। इस बैग में बहुत बड़ा बंच हो रखा है।
मैं चाह रही हूँ कि इसको भी थोड़ा बड़ा होने दूँ। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरा ही तोड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा मेरा लालच भी है कि छोटी मशरूम है बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इस मशरूम के जो रेट की बात करूं मैं, तो जहां तक मैंने इनके ग्रोअर्स से बात की है, तो 1.5 से 2 हजार रुपए किलो तक वो लोग सेल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इतना कोई खरीदेगा नहीं, तो गनीमत है कि कोई 500-600 किलो के रेट के हिसाब से भी खरीद ले। तो मुझे पता है कि इसके रेट्स बहुत ज्यादा हैं। रेट्स ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से इसके रेट्स भी ज्यादा हैं और इनको उगाने में बहुत टाइम भी लगता है। जैसे ये बैग्स मेरे पास बने बने बैग्स आए थे, तो ये मेरे को तो 7-8 दिन में मेरे को फसल मिल गई थी, लेकिन जहाँ पर ये बैग्स बनाए गए हैं तो वहाँ पे लगभग 75 से 80 दिन लगे हैं इन बैग्स को बनाने में, इनमें माइसिलियम ये फैलाने में, तो इसलिए भी इनका रेट ज्यादा है और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से तो मेन ज्यादा है ही। क्योंकि जैसे मीट का रेट भी देखिए, हम आज के डेट में 500 रुपये केजी मटन का रेट चले गया है, वो इसलिए गया है क्योंकि उससे हमारे शरीर को बहुत फायदे होते हैं, इसलिए उसका रेट ज्यादा है। तो इसी प्रकार इस मशरूम का रेट भी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं और मेडिसिनल वैल्यू भी इस मशरूम की अच्छी है, तो इसलिए इसके प्राइस भी ज्यादा जाएंगे। अभी हम यहाँ पे मुझे लगता है कि 500-600 रुपये किलो भी हम रेट रखें तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जब तक लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी, हाँ इसको खाने से फायदे हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारे फायदे हैं, दवाई खाने से अच्छा है कि हम कोई न्यूट्रिशियस फूड खाएं जिससे हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा शायद तब जा करके लोग खरीदना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक लोग नहीं खरीदेंगे तो मैं खुद ही अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, सभी जगह कंज्यूम करूँगी इसको। अच्छा, जो लोग एकदम वीगन्स हैं यानी पूरे शाकाहारी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। इसका जो स्वाद है वो पूरे मीट की तरह होता है, तो शाकाहारी लोग आराम से इसको खा सकते हैं, तो जितना पोषण आपको मीट से मिलना था वो आपको इससे मिल जाएगा। तो मैं खुद एक शाकाहारी बन चुकी हूँ, तो मैं भी अब यही खाऊंगी तो जो मीट की जो कमी थी अब इससे पूरी होगी। दोस्तों, अपने इस छोटे से मशरूम प्लांट से मैंने आज ये शिटाके मशरूम तोड़ी है, ये लगभग 250 ग्राम है। तो शिटाके मशरूम हम पहली बार खाने जा रहे हैं और आज मैंने कमी तोड़ी है मशरूम, क्योंकि ये हम खाने वाले 3 ही लोग हैं, हमारे लिए काफ़ी है ये, और कुछ कल तोड़ूंगी मैं, कल जा रही हूँ मैं दिल्ली, तो अपने रिलेटिव्स के लिए भी लेके जाऊंगी मैं समोण के तौर पर तो अभी मैं आपको ये बना करके दिखाऊंगी हम इसको किस प्रकार से बना रहे हैं और ये खाने में टेस्टी है या नहीं है, कैसा होता है इसका स्वाद, ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बताइएगा मुझे, आपको मेरा ये मशरूम सिटाके मशरूम कल्टीवेशन का कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल।